ओ भंगड़ा पालो भाई, मैं आज डांस करने के मूड में हूं क्योंकि भंगड़ा पाया आरसीबी को मिली है पहली जीत, मोहाली में हरा दिया है किंग्स इलेवन पंजाब को। कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय टोटल वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट। क्या मुकाबला था ये, मतलब मैंने तो वैसे बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने तो पिक भी नहीं किया था कि आरसीबी मैच मुकाबला ये जीत सकती है क्योंकि जीते नहीं है बॉस, छह मैच में छह हार और अब तो पहुंचे थे एक ऐसे मैदान पे जहां पे लगातार सात जीत प्राप्त की थी, 2017 से मुकाबला ही नहीं हारे वहां पर किंग्स इलेवन पंजाब, तो पलड़ा उनका भारी था, टीम अच्छा भी कर रही है उस लिहाज से देखें तो भी बेहतर थे। यहां टॉस जीता विराट कोहली ने, विराट कोहली ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया यार सम्मान, मैं सिर्फ तीन ओवरसीज के साथ खेलूंगा, ओवरसीज प्लेयर्स मैं खिलाता हूं, वो कुछ करते नहीं तो मैं उनको छोड़ने वाला, डेस्टन हैजंट अराइव्ड येट, तो इसलिए वो नहीं थे, वो आ जाएंगे तो फिर सीधा 11 में आ जाएंगे, एक फास्ट बॉलर को बाहर बिठा दिया जाएगा। अब शुरुआत की किंग्स इलेवन पंजाब ने, शुरुआत उतनी बेहतरीन हुई नहीं, केएल राहुल खेले तो सही फिर एक वो छक्का मार के आउट हो गए, उस दूसरी तरफ क्रिस्टोफर हेनरी गेल ने पहले शुरुआत में पिटाई की, उसके बाद कहा मैं थोड़ा ठंडा लूंगा, मैं आराम आराम से चलूंगा, और वहां मुझे लगा कि दे मिस्ड अ ट्रिक और टू, क्योंकि वहां उनको थोड़ी सी और अगर पिटाई कर लेते तो काम बेहतर हो जाता, क्योंकि 195 बनने चाहिए थे ना, सरफराज का बल्ला बहुत देर तक चला, सैम करन को भेजा, निकोलस पूरन का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, मनदीप सिंह को आप भेज तो रहे हैं लेकिन पूरन को खिलाया क्यों यार, अगर पूरन जैसे बल्लेबाज को आपने टीम में रखा है आप उसको खिलाते हैं तो फिर उसको बैटिंग करानी पड़ेगी, वेल दैट वॉज नॉट द केस। और जब रन चेज की शुरुआत की तो पार्थिव पटेल, विराट कोहली कोहली रन मशीन, क्या ये खिलाड़ी है, इन्होंने जड़ दिया अपना हर शतक, कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी विराट द रन मशीन कोहली। खुशी होती है ये अच्छा खेलता है ना तो फिर दिल से, मतलब खुशी इसलिए भी निकलती है क्योंकि खेल देखने में बड़ा मजा आता है, ड्राइव अच्छे लगाए, कट अच्छे लगाए, डोमिनेट किया एक रन चेज को, कोहली को चेज पसंद है ये सबको पता है, और एक गलती जरूर हुई अंत में, जिस तरह से वो आउट हुए ऐसा उनको होते नहीं है लेकिन आजकल शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं, चाहे वो बुमराह की शॉट हो या चाहे रिचर्डसन की या फिर मोहम्मद शमी की, ही गॉट डिसमिस्ड इन दैट फैशन, डीप मिड विकेट पे कैच, लेकिन उसके बाद कैच छोड़ा एक बार फिर किंग्स इलेवन पंजाब फील्डिंग वॉज वेरी ऑर्डिनरी, कैच भी छूटे, चौके भी छूटे, और अगर आप इतना लैकडाइसिकल नहीं, मतलब जितना अगर खराब फील्डिंग साधारण फील्डिंग करेंगे ना तो आप मुकाबला नहीं जीत सकते। वहां पे आया डॉक्टर फिक्सिट, टोटल परफॉर्मर ऑफ द मैच, अद्भुत डिविलियर्स, ए बी डिलीवर्स, क्या बैटिंग की यार इन्होंने, ये बैटिंग जब भी करते हैं अच्छी करते हैं, इस साल थोड़ा सा अप एंड डाउन चल जरूर रहा था, और एक और बड़ा मजेदार सा स्टैट है कि 17 बार ये रन चेज में नॉट आउट रहे हैं, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मुकाबला हारे हैं, ओनली वंस इन 17 इनिंग्स इस बार एंड तक रहे वो नॉट आउट और आरसीबी को दिलाई इस सीजन की पहली जीत, सो वेल डन, दो अंक इनके नाम। सैटरडे वैसे था ये रॉयल रंबल, क्योंकि अब चलते हैं जरा वानखेड़े की तरफ, वैसे मोहाली की प्रेडिक्शन खराब तो हुई, वानखेड़े की प्रेडिक्शन भी, क्योंकि यहां पर टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला रॉयल्स ने किया, राजस्थान रॉयल्स, और एक समय तो ऐसा लगा क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा की जब साझेदारी चल रही थी 10 ओवर 92 फॉर 1, आई थॉट 210 इज देयर फॉर द टेकिंग, लेकिन मुंबई इंडियंस करती क्या है, ये कभी भी लगता है कि 200 बनाएंगे वो 180 से पहले के आसपास कहीं रुक जाते हैं, 180-185, बट दैट्स अबाउट इट, जहां 215-220 पॉसिबिलिटी है तो क्यों नहीं पहुंचो उतनी दूर। यहां पे पोलार्ड थोड़ा सा धीमे थे पहले, बीच में सूर्य कुमार, फ्लरिश हार्दिक पंड्या तो फिर भी आपको रिस्पेक्टेबिलिटी तक बार बार ले जा रहे हैं, लेकिन कृणाल पंड्या को आपने सिर्फ 3-4 बॉलों के लिए भेजा, आई मीन व्हाटएवर, आप अंडरस्टैंड करते हैं। जब बारी आई राजस्थान रॉयल्स की तो फिर जॉस द बॉस, दिन में यूनिवर्स बॉस, रात में खैर ऐसा चला क्या बैटिंग की जॉस ने जब पिछली बार यहाँ खेले थे तब भी रन बनाए थे, 56 बॉल 93 ऑड अनडिफीटेड, वहां भी मैच जितवाया था, यहाँ पे भी मैच जितवाया, बहुत बढ़िया उन्होंने बैटिंग की। रहाणे ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, इंटेंट के साथ शुरुआत की, और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि अगर हम कोई मुकाबला थोड़ा फंसा के जीत सकते हैं तो आसानी से क्यों जीते, एक के बाद एक आउट होने लगे, संजू सैमसन आउट हो गए, स्टीव स्मिथ आउट हो गए, राहुल त्रिपाठी आउट हो गए, और मैंने कहा चलो भैया ये क्या कर क्या रहे हैं, ये कहीं बिल्कुल लुटिया डूब ना जाए, अंत में जाके श्रेयस गोपाल, तो इस जीत का श्रेय जो है वो गोपाल को जाता है, इज बीन दी अंडर रेटेड राजस्थान रॉयल्स प्लेयर, इस बार भी विनिंग हिट भी लगाई, एक आधे चौका भी लगाया, जिस मैच में ऐसा लगा था कि कहीं गाड़ी पटरी से उतरने वाली है ऐसा होने नहीं दिया, राजस्थान रॉयल्स ने भी दो अंक प्राप्त किए, मेरी प्रेडिक्शन भी एक बार खराब हो गई, वो कह रहा है यार मतलब आई होप संडे इज अ स्लाइटली बेटर डे फॉर मी, लेकिन तो रॉयल रंबल रहा, आरसीबी को जीत, आरआर को, यानी कि टेबल में हुई है बहुत सारी उठापटक।
अब अगर आपको क्या करना है, घर बना रहे हो, अब घर बना रहे हो तो फिर डॉक्टर फिक्सिट लगाओ, टोटल वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट। इसका सारा जो डिटेलिंग है वो बायो में है, या बायो में नहीं, एक्चुअली पोस्ट में है। जाते जाते एक होता है तो जो नोटिफिकेशन की बेल है ना, उसको भी दबा दो ताकि यू डोंट मिस अ नोटिफिकेशन गाइस। 7 लाख इज नॉट टू फार।